मैंने बनाए हैं बर्फी, जिसे बनाने में मैंने लौकी का इस्तेमाल किया है और साथ ही साथ इसमें मैंने नारियल भी यूज़ किया है, जिससे ये बहुत ही टेस्टी लगेगी। तो चलिए इस टेस्टी और डिलीशियस बर्फी की रेसिपी को देखते हैं। रेसिपी को देखने से पहले वीडियो को ज़रूर लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और नोटिफिकेशन के लिए बेल आइकन पर ज़रूर क्लिक कीजिए। लौकी नारियल की बर्फी बनाने के लिए मैंने यहाँ पर ये लौकी लिया है, ये मैंने बिल्कुल सॉफ्ट लौकी लिया है, जो एकदम कच्ची लौकी हो आप वही लीजिए, और इसे मैंने रफली काट लिया है। और चलिए अब हम इसके छिलके को उतार लेते हैं। तो अब हम इसके छिलके को उतार लेते हैं, पिलर से हम इसके छिलके को उतार लेंगे। तो ये लौकी के छिलके को उतार लिया है और अब हम इसके वाइट पार्ट को भी निकाल लेते हैं। ध्यान रहे कि बिल्कुल बीज नहीं होना चाहिए, जो बीज है उसे हम निकाल लेंगे। ये बिल्कुल कच्ची लौकी है तो इसमें ज़्यादा बीज नहीं है। और अब इसे हम ग्रेट कर लेते हैं। तो हम लेते हैं लौकी और इसे हम ग्रेट कर लेंगे। तो ये मैंने ग्रेट कर लिया एक लौकी को और अब हम इसके एक्सेस पानी को निकाल लेंगे, हाथों से अच्छे से स्क्वीज़ कर लेंगे। और ये मैंने इसके एक्सेस पानी को निकाल लिया है और बाकी सभी को हम ऐसे ही ग्रेट करके एक्सेस पानी निकाल लेंगे। और ये जो लौकी का वाइट पार्ट मैंने लिया है उसके मैंने बीज को निकाल लिया है। लौकी के वाइट पार्ट को हम ग्रेट नहीं कर रहे हैं, इसे हम जार में डालकर ग्राइंड कर लेते हैं। लौकी कोकोनट हलवा बनाने के लिए हम पैन में डालते हैं 1/8 कप घी, और घी को हम थोड़ा सा मेल्ट होने देते हैं। और अब इसमें हम डालते हैं ग्रेट किया हुआ लौकी। और थोड़ा सा लौकी जो है, जिसे मैंने मिक्सर में थोड़ा सा ग्राइंड कर लिया था, वो भी डाल देते हैं। और दोनों को हम अच्छे से मिक्स करके मीडियम लो फ्लेम पर रखकर 5 से 6 मिनट तक के लिए कुक कर लेते हैं। तो लौकी को मैंने बिल्कुल अच्छे से मिक्स कर लिया है और इसे अब हम मीडियम लो फ्लेम पर रखकर ढक देते हैं और 7 से 8 मिनट तक हम इसे कुक होने देंगे। 5 मिनट हो गया, एक बार हम ढक्कन खोल कर लौकी को चला लेते हैं। तो 5 मिनट बाद मैंने थोड़ा सा मिक्स कर लिया है ताकि वो नीचे की तरफ से नहीं जले। अभी भी लौकी थोड़ी सी कच्ची है, हमें और पकाना है। तो हम फिर से ढक देते हैं और 2 मिनट के लिए हम और कुक करेंगे। 2 मिनट हो गया है, अब हम ढक्कन को खोलते हैं। अब हम फिर से एक बार चला लेते हैं। लौकी पूरी तरीके से सॉफ्ट हो गई है, अब इसे हम और कुक नहीं करेंगे। और इसी समय इसमें हम डालते हैं नारियल का बुरादा। हम यहाँ पर सूखा नारियल का बुरादा ले रहे हैं 1 कप, और बुरादा डालकर हम इसे अच्छे से मिक्स कर लेंगे। तो नारियल को भी मैंने अच्छे से मिक्स कर लिया है। अब इसमें हम डालते हैं खोआ, जिसे हम मावा भी कहते हैं। तो मैंने यहाँ पे 200 ग्राम खोआ लिया है। इलायची पाउडर हम डाल देते हैं 1 चम्मच, और 3/4 कप हम इसमें चीनी डालते हैं, या आप टेस्ट के अकॉर्डिंग चीनी डाल सकते हैं। और सभी को हम बिल्कुल अच्छे से मिक्स कर लेते हैं। हम फ्लेम को यहाँ पे लो ही रखेंगे, क्योंकि मावा डाल दिए हैं तो मावा बहुत जल्दी तले में चिपकता है। तो इस बात का ध्यान रखेंगे कि हाई फ्लेम पे नहीं रखेंगे, हाई फ्लेम पे रखने से मावा पैन में चिपक जाएगा। और इसे हम अच्छे से मिक्स कर लेते हैं। तो खोआ और चीनी को अच्छे से मिक्स कर लिया है और इसे अब हम 5 मिनट के लिए लो फ्लेम पर रख कर पका लेते हैं, ताकि इसमें जो भी मॉइस्चर होगा वो ख़त्म हो जाएगा। तो 5 मिनट हो गया है पकाते हुए, आप देख रहे हैं ये पैन को बिल्कुल छोड़ दिया है और जो मॉइस्चर है वो सारा ख़त्म हो गया है। तो चलिए अब हम फ्लेम को बंद कर देते हैं और इसमें हम डालेंगे थोड़ा सा ग्रीन फूड कलर। हम 2-3 ड्रॉप कलर की डाल रहे हैं और इसमें हम चॉप ड्राई फ्रूट्स डाल रहे हैं। मिक्स ड्राई फ्रूट्स हैं, आप अपने टेस्ट के अकॉर्डिंग जैसा खाना पसंद करते हैं वैसा डाल सकते हैं। और सभी को अच्छे से मिक्स कर लेते हैं। मैंने यहाँ पे हलवाई जैसे लुक के लिए कलर ऐड किया है और आप चाहें तो स्किप कर सकते हैं। तो कलर और हम ड्राई फ्रूट्स को बिल्कुल अच्छे से मिक्स करेंगे और इस समय मैंने फ्लेम को बंद कर दिया है। तो कलर और ड्राई फ्रूट्स को मैंने बिल्कुल अच्छे से मिक्स कर लिया है और चलिए अब इसे हम स्प्रेड करते हैं बेकिंग टिन में। मैंने टिन में बेकिंग पेपर लगा लिया है और अब इस मिक्सचर को हम डालते हैं टिन में और इसे हम बिल्कुल अच्छे से स्प्रेड कर लेंगे।
इसे हम चारों ओर से बिल्कुल इवनली स्प्रेड कर लेंगे। तो मिक्सचर को मैंने इवनली स्प्रेड कर लिया है और चलिए अब इसके ऊपर हम लगाते हैं वरक। तो मैंने मिठाई के ऊपर वरक लगा दिया है और आप चाहें तो वरक स्किप कर सकते हैं अगर आप खाना पसंद नहीं करते हैं, लेकिन मैंने बिल्कुल हलवाई जैसे लुक देने के लिए इसके ऊपर वरक लगाया है। और चलिए अब इसे हम एक घंटे के लिए फ्रिज में सेट होने रख देते हैं। एक घंटा हो गया है और ये हमारी जो बर्फ़ी है वो पूरी तरीके से सेट हो गई है। और चलिए अब इसे हम स्लाइसेस में कट कर लेते हैं। तो ये हमारी लौकी की बर्फ़ी बिल्कुल सर्व करने के लिए तैयार है। तो फ्रेंड्स, कैसी लगी आपको ये रेसिपी? अगर अच्छी लगी है तो कमेंट ज़रूर कीजिए, वीडियो को लाइक कीजिए और भी रेसिपीज़ आप यहाँ पर क्लिक करके देख सकते हैं।